तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि इसी साल के EICMA के अंदर रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से रॉयल एनफील्ड का ये जो स्क्रैम्बलर 650 वाला जो मॉडल है ना, तो उसको अभी दिखाया जा भी चुका है। लेकिन देखो भाई, ये जो मॉडल है ना, मतलब ये स्क्रैम्बलर 650 वाला जो ये मॉडल है, तो ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। तो देखो भाई, इसी वजह से वीडियो के शुरू में ही बोला कि ये कॉन्सेप्ट मॉडल के तुलना में ना असल जिंदगी में जो मॉडल आने वाला है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही अलग देखने में होने वाला है, लेकिन वो भी एक स्क्रैम्बलर बाइक ही होने वाला है 650cc का। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो भाई, अभी रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से ना इसी 2022 के ही EICMA के अंदर और एक 650cc वाले बाइक को दिखाया जा चुका है। और ये वाला जो बाइक है ना, तो ये है रॉयल एनफील्ड का एक स्क्रैम्बलर टाइप बाइक। वैसे देख ही सकते होंगे कि ये जो स्क्रैम्बलर 650 वाला बाइक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट लुक के साथ में आया है, जिसके अंदर हमें बहुत सारा कुछ चीजें देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये गोल्डन कलर का USD4 और उसके ही साथ साथ ये ब्लू और व्हाइट कलर के अंदर ये कलर और ग्राफिक्स जो भी है। और इसके अलावा इस वाले बाइक के सामने जैसे कि देख ही सकते होंगे एक बड़ा वाला मडगार्ड दिया गया है, और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के ही हेडलाइट वाले पार्ट के अंदर एक कवर टाइप कुछ दिया गया है। और इसके अलावा इस वाले बाइक के ही हेडलाइट वाले पार्ट के ही ऊपर देख ही सकते होंगे बड़ा वाला विंड ब्लास्ट प्रोटेक्टर भी दिया गया है। और उसके ही साथ साथ जैसे कि देख ही सकते होंगे ये लगेज कैरी करने के लिए, मतलब कि ये जो पैनियर्स लगाने के लिए जो चीजें हैं, मतलब मटेरियल्स जो है, तो वो भी सारा कुछ दिया गया है इसी कॉन्सेप्ट वाले मॉडल के अंदर। अब देखो, आपने तो सुन लिया कि ये कॉन्सेप्ट वाले मॉडल के अंदर क्या कुछ दिया गया था, लेकिन देखो रियलिटी में जो मॉडल को दिखाया गया था ना, तो वो इस वाले मॉडल के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा ही अलग था। लेकिन हाँ, उस वाले मॉडल के अंदर भी आपको देखने को मिलता था ये USD4, लेकिन अभी देखो उस वाले मॉडल के अंदर भी ना एक आपको जो देखने को मिलेगा इंजन, तो वो भी 650cc वाला ही देखने को मिलेगा, जो कि एक ट्विन सिलेंडर बेस्ड इंजन है। और वो वाला इंजन एक ऑयल कूल वाला इंजन है, और वही इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब ये 650cc वाला जो इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, तो वो है 47 BHP वाला इंजन जो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करेगा, तो वो है 52 NM। और इसके अलावा इस वाले इंजन के सेटअप को देखने को मिलेगा 6 स्पीड का गियर बॉक्स। और उसके ही असल जिंदगी में जो रॉयल एनफील्ड जो स्क्रैम्बलर 650 को जो दिखाया गया था, तो उस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो व्हील्स, तो वो स्पोक व्हील्स। और इसके अलावा रियल लाइफ का जो ये स्क्रैम्बलर 650 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग सिस्टम में ये डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, और लाइट्स वगैरह जो भी है तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हैलोजन और बल्ब के अंदर अंदर सारा कुछ देखने को मिलेगा लगभग। और उसके ही साथ साथ ये जो बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, मतलब ये स्क्रैम्बलर 650 वाले मॉडल के अंदर और असल जिंदगी में जो है तो वही, तो उस वाले मॉडल के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा मीटर कंसोल, तो वो भी एक स्प्लिट वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको वही जो ऑटो मीटर, टिप मीटर, टाइम वगैरह जो भी कुछ है, मतलब वो फ्यूल गेज और उसके ही साथ साथ वो इंजन मैन फंक्शन लाइट और मतलब जो भी कुछ है, तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ और एक जो मीटर कंसोल है ना, तो उसके अंदर आपको वो नेविगेशन वाला जो फीचर्स है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है, तो वो सारा कुछ देखने को मिलेगा अलग से। और हाँ भाई, रियल लाइफ के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा इसी स्क्रैम्बलर वाले बाइक का पीछे का जो सस्पेंशन, तो वो है ये कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। वैसे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट वाला मॉडल है ना, तो इससे ये रियल वाले मॉडल के अंदर थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस होंगे ही, ऐसा ही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ऐसा कुछ दिखा भी गया था। तो इसी वजह से रियल लाइफ में जो मॉडल को दिखा गया था ना, तो उसके अंदर ना तो ये बड़ा वाला मडगार्ड था सामने, और ना ही ये हेडलाइट के ऊपर कोई एक कवर वाला कुछ सीन था, और ना ही ये जो हैंडल के ही सामने, मतलब ये क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो प्रोटेक्टर है, तो ये था। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।